साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर संग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर ना छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल पूछते हुए घेरने का प्रयास किया है। तो वहीं केंद्र सरकार के महाजनसंपर्क अभियान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को ना बुलाना पड़ता। भाजपा की स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि ये महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कल से होगी। 24 के लिए ये महासंग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं यूपी की 80 सीटों पर भाजपा की रणनीति साफ नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव के रण में कौन किस पर भारी नजर आता है। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए अब तैयारियां होने लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में नजर आती है। वहीं एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सबकी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कल 30 मई है और कल से ही भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। वहीं जनसंपर्क अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने कोई काम ही नहीं किया है। अगर काम किए होते तो बाहर से मंत्रियों को बुलाने की जरूरत ना पड़ती। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि गांव और गरीब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क टूट चुका है, इसलिए महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। 2024 के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ती। वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का अभी कोई भी प्लान सामने नहीं आया है। अब 2024 की बारी है और देखने वाली बात रहेगी कि कौन किस पर भारी नजर आता है। बता दें यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है और इसी जनसंपर्क अभियान को लेकर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि
उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने कोई काम ही नहीं किया। अगर काम किए होते तो बाहर से मंत्रियों को बुलाने की जरूरत ना होती। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, वहीं सपा से हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह हमसे जुड़े हुए हैं और चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। 24 के लिए संग्राम छिड़ गया है, यूपी की 80 सीटों पर भाजपा की तो रणनीति साफ नजर आ रही है, आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी पिछले सितंबर में शुरू हो गई थी, हमने 57 सीटों पर हराया था। कोई अभियान नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि हमारे कार्यकर्ता लगातार काम में जो सबसे बड़ी प्रमुखता रखी गई है वो देखने पे आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस निकाय चुनाव में, कि क्षेत्र के नाम काट दिए गए थे, परिवारों के नाम काट दिए गए। सर, 24 के लिए क्या तैयारी है? अब हवा बदल चुकी है, 24 के लिए क्या तैयारी है? बोल दिया तो उसके मुझे हवा कैसे बदल गई है बता पाएंगे क्या मुझको? सर, ये लोकसभा का चुनाव है, निकाय चुनाव की बात छोड़ दीजिए, अब 2024 के चुनाव की तैयारियों के लेकर मैंने पूछा है, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? सिर्फ ट्वीट करेंगे या कोई तैयारी भी है? हवा कैसे बदली हुई है बताइए, आपने समझा ही नहीं जो मैंने कहा, हवा कैसे बदली है ये बता दीजिए आप मुझे। सर, आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, इसी को लेकर मैंने कहा हवा बदल चुकी है, अब लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर मैंने आपसे पूछा है। आपने सुना नहीं, आपके दिमाग में बीजेपी घुसा होगा इसलिए सुना नहीं आपने। सर, ये कैसी आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी घुसा होगा? फिर आपने क्यों कह दिया विपक्ष की अभियान की कोई तैयारी नहीं है? मैंने तो ये नहीं कहा कि तैयारी नहीं है, मैंने तो आपसे तैयारी पूछा है, मैंने ये कब कहा कि आपकी तैयारी नहीं है? मैं अपनी तैयारी बता रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी, संघर्ष आप करते नहीं है और मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये आपने कह दिया बीजेपी घुसा हुआ है। आप सुन ही नहीं रहे हैं जो मैंने कहा। सुन रही हूँ सर, आप तो सीधे मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी घुसा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए फिर। कैसे आप कह रहे हैं बीजेपी घुसा हुआ है? हाँ, फिर कह रहे हैं जब आप मेरी बात। सर, मैंने आपसे तैयारी पूछा है, आप तैयारी बता दें 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी है? मैंने जो तैयारी बताई थी वो ये रिपीट कर रहा हूँ फिर, और आपकी सुनिएगा, उसपे उंगली मत कर दीजिएगा बीच में। सर, बिल्कुल मैं उंगली नहीं कर रही हूँ, आप निकाय चुनाव को गिना रहे हैं, आप तैयारी बताइए ना आपकी क्या तैयारी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी महा जनसंपर्क अभियान करने जा रही है, 80 सीटों पर उन्होंने रणनीति बनाई है, आपकी क्या रणनीति है? रणनीति मालूम है समाजवादी की नहीं मालूम है? बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए अपनी रणनीति। सुनिए ना फिर, अगर मेरी रणनीति जी बिल्कुल बोलिए अपनी, बताइए रणनीति बताइए, वही मैंने आपसे पूछा है। कि सितंबर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दो जगह हम लोग मात खाए थे, तो निकाय चुनाव में जो मतदाता पत्र जारी हुआ और जो 2022 में मतदाता पत्र जारी हुआ उसमें भारी घोटाला किया गया, और उसकी तैयारी हम जनवरी से करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद भी जब निकाय चुनाव होता है तो भारी घोटाला होता है, तो पहली तैयारी तो हमारी उस क्षेत्र में है कि हम अपने मतदाताओं का नाम पहले ले आवे, नहीं तो मतदाता आके क्या करेंगे, डंडा मार के भगा दिया जाएगा उनको, जैसे इस बार हुआ निकाय में। तो हम पहले तो चुनाव की जो लिस्ट है, मतदाता लिस्ट, उसको हम सही कराने में जुड़े हुए हैं। कोई सा बूथ ऐसा नहीं है पूरे पूरे उत्तर प्रदेश भर में, मेरे ख्याल से लगभग 4 लाख बूथ है, 4 लाख बूथों में कोई सा ऐसा बूथ नहीं है जिसकी हमारी तैयारी ना हो, जिसकी रिपोर्टिंग ना ली जाती हो। फिर दूसरा ये बात है, बीजेपी ने जो दुष्कर्म किए हैं उस दुष्कर्मों को जनता तक फैलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मीडिया का सहारा नहीं ले रहे हैं, और ना अभी 1955 से आज तक अभी तक कभी भी मीडिया का सहारा नहीं लिया,
और ऐसे शब्द जब सुनते हैं कि विपक्ष की तैयारी नहीं है तो दुख होता है। बिना विपक्ष की तैयारी के कर्नाटक हार गए हैं क्या? बिना विपक्ष की तैयारी के दिल्ली में एमसीडी हार गए थे क्या? बिना विपक्ष की तैयारी के जलंधर लोकसभा चुनाव हार गए थे क्या? जनता के मुद्दों के लिए क्या तैयारी है सर? जनता के मुद्दे की सुनिए, जनता के मुद्दे में बीजेपी ने क्या किया था? बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है झूठ बोलो। तो 2 करोड़ नौकरियां, जब पूछो नौकरी तो कहा नहीं, ये नौकरी नहीं था, रोजगार था। फिर कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे तो बोला जुमला था। किसानों को आए दुगना कहेंगे तो बोला अगले 10 साल में होगा। तो पहला तो इनका जो झूठ वो हम लोगों को बता रहे हैं और कायदे से बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। दूसरा, जनहित के मुद्दों की अनदेखी, जैसे कल हुआ, बालिकाएं जनहित के लिए बैठी हुई थी और कानूनी रूप से बैठी थी, और जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र की हत्या किया, ऐसे जनहित के मुद्दे तमाम उत्तर प्रदेश में है। तीसरा, आइए धार्मिक उन्माद फैला के मतों का ध्रुवीकरण करना और फिर उन्हीं हिंदुओं को उन बच्चियों की तरह उठा के फेंक देना। फिर अगला, चुनी हुई सरकारों की खरीद फरोख्त, ये इनके मुद्दे थे। अब आप आइए, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले देख लीजिए, रुपए की वैल्यू 82-83 गिर गई। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था भारत के इतिहास में। ठीक है सर, आप जनता के तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर सिर्फ ट्वीट्स करेंगे, बातें करेंगे, इस सब मुद्दों को लेकर जमीन पर कब उतरेंगे, मैदान में कब आएंगे? अभी जो बताया था वो क्या था कि हम 83 से लगभग 4 लाख बूथों पे हम चल रहे हैं, वो जमीन पर उतरना नहीं था क्या? वो नहीं सर, आंदोलन करना होता है जनता के मुद्दों के लिए, सड़क पर उतरना होता है। सुन लीजिए, सड़क पे सुनने के लिए, अगर आपने आखिरी विधानसभा सत्र देखा होगा, उतना बड़ा आंदोलन कभी भी नहीं हुआ विधानसभा के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में। दूसरा सुन लीजिए, मेरठ रायबरेली से शुरू होता है, रायबरेली मेरठ प्रयागराज गोरखपुर आगरा, जब वो बच्चे को मार, एक वाल्मीकि बच्चे को मार दिया गया था आगरा में 2 बार, ये सारा हम लोगों ने बुरी तरीके से करा। बल्कि आगरा में जो एक बच्चे को, मुरैना के बच्चे को तस्कर करके मार दिया गया था, उसकी FIR तक दर्ज कराई, अब भागे फिर रहे इनके अधिकारी। तो ये तो मैंने बताया, जो आप जन आंदोलन की बात करिए, जन आंदोलन तो हम लोग कर चुके हैं, क्यों नहीं दिखता है? आप लोग तो मीडिया, आपको बताना चाहिए था हमको। सर अभी भी आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, इसको लेकर कब उतरेंगे? मीडिया बताती है जी। ठीक है, अभी भी आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं सर, इसको लेकर कब उतरेंगे? इसके मुद्दे पे काम कर रहे हैं तभी तो हमारे पास मुद्दे मालूम है, नहीं तो ईमानदारी पूर्वक मैं बता रहा हूँ। जब पहले कि इससे पहले राजनीति हुआ करती थी, जब मीडिया को नरेंद्र मोदी ने खरीदा नहीं था, तब मुद्दा क्या होता था, मीडिया बताया करती थी। जैसे 2004 से पहले हम लोग मुद्दे नहीं जानते थे, सच बात यह है। लेकिन अब क्या हो गया, हम अपने मुद्दे खुद ही खोज रहे हैं, और जो खोजिए जो बताए सर, आप मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं करते हैं। मीडिया जब मुद्दों को लेकर सवाल उठाता है तो आप मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। विवेक जी, मैं आपका रुख करूंगी, ये जो कल से आपका महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, इसी अभियान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि आपके सांसदों और विधायकों ने कोई काम नहीं किया, अगर काम किए होते तो बाहर से मंत्रियों को बुलाना नहीं पड़ता। अगर काम किए होते तो 25 जो MP हैं, सांसद हैं, उनके वहाँ उनके पूरे क्षेत्र में निकाय चुनाव हार नहीं जाते अगर काम किए होते। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका दिया बोलने का, विवेक जी को सुन लीजिए। मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो समय समय पे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष लेके जाती है, उनको दिखाती है। हमारे मंत्रियों के तमाम लोगों के ऐसे कार्यक्रम लगते रहे हैं जिसमें वो क्षेत्र में जाते रहे, जनता के बीच पहुंचते रहे, और वहां से उनको फीडबैक मिलता रहा। महाजनसंपर्क अभियान के तहत हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सबके दौरे लगाए जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, डबल इंजन की सरकार की कार्यों की चर्चा परचर्चा होगी, और
जो सरकार ने अभी तक 9 साल में जनता के हित के लिए कदम उठाए हैं उसको कायदे से जनता के बीच रखा जाएगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। जो लोग खुद कभी कमरे में बैठ करके ट्विटर से पार्टी चलाते हो उनको ये सारी कवायद समझ में नहीं आएगी। उनके लिए ये कवायद है, उसको कुछ भी कह सकते हैं कि काम नहीं किया विधायकों ने सांसदों ने, ये उनका दृष्टिकोण है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो यहाँ जहाँ पहुँचाए गए जनता द्वारा वहाँ पहुँचाए ना जाते, हम भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो लोकतंत्र में जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि जनता ने अपना आशीर्वाद उसे सोच समझ करके दिया है। और जनमत का सबको स्वागत करना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं, विपक्ष को भी करना चाहिए, और जाएं अपनी बात जनता को समझाने की चेष्टा करें। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है, जनता जिसकी बात समझ जाएगी उसके पक्ष में जनता अपना फैसला सुना देती है। हम जनता के बीच 365 दिन 24 घंटे विद्यमान रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं, जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है और हमें पूरी उम्मीद है 2024 में भी पिछली बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। विवेक जी, अखिलेश ने आगे कहा है कि ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। देखिए, ये वो अपने दल की बात कर रहे हैं या भाजपा की, उनको तय कर लेना चाहिए। इस तरह के आरोप उनके ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बार लगा चुके हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जमीन से, गांव से, खलिहान से, गिराव से क्या रिश्ता है? अभी उनको नगर पंचायत के चुनाव में दिख गया होगा, बहुत से ग्रामीण इलाके इस नगर पंचायत में शामिल किए गए हैं, उन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराए हैं। अभी ताजा ताजा हार का जख्म भी नहीं भरा, वो इस तरह की बातें कर रहे थे, हास्यास्पद है। उनसे कहिए कि अपने खुद की जमीन की चिंता करें, जो उनके गढ़ माने जाते थे, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़, उन क्षेत्रों की जनता उनके दल को नकार चुकी है, उनके किले ढहते जा रहे हैं। ठीक, ऐसे में उनको स्वयं की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, जिसके पास अपने नेताओं की विश्वसनीयता का आभा मंडल है, कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम है और जिसकी पहुंच समाज के हर तबके तक, हर वर्ग तक, कोने कोने तक है। उसको इस तरह की टिप्पणी करके वो स्वयं को हंसी का पात्र बना रहे हैं। रविंद्र जी, आपने विवेक जी को सुना, वो जीत का दावा कर रहे हैं, 24 में कह रहे हैं भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। असल में आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, जो आप पूछ रहे हैं उसी का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन प्लीज टोकिएगा मत, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को आपने नहीं टोका तो मत टोकिएगा। अगर उनको जीत का आसार उत्तर प्रदेश की बात खाली अभी ले रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जीत का आगाज इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। निकाय चुनाव में 30% मत मिले हैं इनको और पहले नंबर पे निर्दलीय हैं 34% वोटों से, तो इसका ट्रेलर उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है। हमारी सीटें जरूर अपेक्षा के अनुसार नहीं रही, हमारा 3% मत बढ़ा है। इनके दावे की पोल यहाँ से खुल जाती है।
राष्ट्रीय स्तर के दावे की पोल खुल जाती है कि ये 12-13 राज्यों से घट के 5 राज्यों में इनकी फुल फ्लैश की सरकार अब बची हुई है, उसकी उस सरकारों की बात नहीं कह रहे हैं जहां पर इन्होंने जोर जबरदस्ती से बनाया हुआ है ऑपरेशन कमल से। तो ये इनके जीत के दो दावे हैं, एक उत्तर प्रदेश का बता दिया, एक बाहर का बता दिया कि 5 राज्यों में सिमट के रह गए हैं। जी भाई जी, वो भी तब रह गए हैं सिमट के जब विपक्ष तितर बितर था, अब विपक्ष पूरी तरीके से एक साथ है। अब मुझे लगता है कि शायद अगर एक भी राज्य में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक आंकड़ा देता हूं मैं, 5 राज्य ऐसे हैं जहां 249 सीटें हैं, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। शायद ये 5 जगह मिल के इनको 25 सीट भी ना मिले। और यहाँ इनके सबसे मजबूत साथी थे, सब मजबूत साथियों को धोखा देके बाहर कर दिया, किसी की सीट हड़प ली, किसी के आदमी को अपने में मिला दिया, किसी को जेल में उठा के बंद कर दिया। तो ठीक है, इसका दुष्परिणाम ये भुगतने जा रहे हैं। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? आप 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को कहां देख रहे हैं? वेट एंड वॉच वाली स्थिति है? हमारी सबसे ज्यादा सीटें रही है उत्तर प्रदेश लोकसभा में 39, 38 से ज्यादा लेके आएंगे। विवेक जी, सपा का दावा आप किस से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे? मैडम आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ा बढ़वाइएगा। विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बोलो भैया। विवेक जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें 2024 के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है, सभी पार्टी अपना अपना प्लान बता रही है। वहीं यूपी की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है। बता दें कि कल से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सबकी तैयारी हो रही है, चुनावी रणनीति बन रही है। बार फिर से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक जी, अभी रविंद्र जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यही दावा है कि पिछली बार से अब की ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल दावा करना चाहिए, दावा करने की उनके दल की आदत भी है, और दावे के गुब्बारे में सुई चुभाने का काम लोकतंत्र में जनता जनार्दन करती है। बहुत दावे थे लोकसभा चुनाव से पहले, पिछली बार घट करके 5 हुए, उपचुनाव में 3 हो गए। अब 3 की सदस्य संख्या के साथ वो दावा कर रहे हैं कि हम दिल्ली के रास्ते में बीजेपी की बाधा उत्पन्न करेंगे। तो आपके माध्यम से उनकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, कैसी विघ्न बाधाओं का भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती। हम तो भगवान राम के उपासक हैं, सनातन संस्कृति ध्वजावाहक हैं, कोई विघ्न बाधा न पड़े। मुकाबला सर सपा से ही है, ये समाजवादी पार्टी को लगता है। हमारा मुकाबला अपने खुद के रिकॉर्ड से, जो पुराना रिकॉर्ड रहा हमारा, उससे कैसे हम और अच्छा कर पाए, ये हमारा चिंतन है। हमारा चिंतन समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं है, हमारा चिंतन बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं है। हमारा मुकाबला अपने पुराने रिकॉर्ड से है, जो लक्ष्य में दिया है नेतृत्व ने, कैसे हम 100% उत्तर प्रदेश से सीटें ले जा करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सके, हमारा लक्ष्य है, हमारी चिंता ये है। हम इनकी चिंता नहीं करते, ये जरूर हमारी चिंता में दुबले हुए जाते हैं,
रविंद्र जी, विवेक जी आपको अपने मुकाबले में देख ही नहीं रहे हैं। असल में झूठ बोलने की आदि पड़े हैं। अभी अमित शाह जी का झूठ बता दिया, मोदी जी का झूठ बता दिया, तो उनके प्रवक्ता झूठ बोलेंगे तो क्या? मेरा आपसे अनुरोध है, मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे लगता है आपको उनको भी समय देना चाहिए। सर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरा, मैंने आपसे सवाल किया, आखिरी कमेंट आप अपना दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको अपने मुकाबले में देख ही नहीं रही है। चलिए, मैं नहीं देख रही थी, ऐसे 2004 में भी नहीं देख रही थी। इंडिया शाइन करा दिया था इन लोगों ने, पूरी इंडिया शाइन हो गई थी, और उस समय बहुत बड़ा कद था। अब जो इनके पास कद है वो तो वो उस कद का तो ऊंचा कद है, तानाशाही का कद है, लेकिन उस समय वाकई बहुत बड़ा कद था जिसकी आज तक हम लोग सम्मान करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल इंडिया शाइन जब कराया तो खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी। वही घमंड, वही अहंकार अभी भी है, और वही वही घटना घटित होने जा रही है, एकदम चिंता ना करें। और उसका उसका जो है, कर्नाटक ने, जलंधर ने, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव ने इंडिकेशन दे दिया है इनको, तो इनके लिए तो झूठ बोलना से कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु श्री राम को बदनाम करने के लिए, अरे इस डिबेट में प्रभु श्री राम का नाम लाने की क्या बात थी? आप प्रभु श्री राम के उपासक हैं तो क्या हम प्रभु श्री राम के विरोधी हैं क्या? तो क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक राम द्रोही है। कोई मुद्दा नहीं है, प्रभु श्री राम को लेके आएंगे तो प्रभु श्री राम इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे क्या ये अपने वोट लेने के लिए? इतने निचले स्तर पर उतर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? और परिणाम आने जा रहा है, जो भी इस प्रकार की हरकतें किया है, और जो कल हरकत हुई है जिस प्रकार से लोकतंत्र को कत्ल किया गया है, उसका कल उसका इफेक्ट 2024 में देखने को मिलेगा। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें यूपी में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, 2024 के लिए संग्राम छिड़ गया है, जिसको लेकर सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।